दोस्तों, क्या आप मछली पालन करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं या मछली पालन करने जा रहे हैं? यदि किसी भी कंडीशन में आप एक यहाँ पर व्यूअर्स हैं उनमें से, तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके काफ़ी हद तक काम आने वाली है। दोस्तों, यदि आप मछली पालन करने जा रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, या फिर आप मछली पालन करने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आपको उसके बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उससे आपको कितना प्रॉफिट निकल कर आएगा, और यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मछली पालन करने के लिए आप बीज कहाँ से लाएंगे, किस तरह की मछलियाँ डालना होगा, मछलियों को किस अनुपात में डालना होगा, तालाब कैसे बनाएंगे, तालाब की गहराई कितनी होनी चाहिए, पानी की क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसका पीएच क्या होना चाहिए, उसकी एल्किनिटी क्या होनी चाहिए, उसके अंदर अमोनिया का लेवल क्या होना चाहिए, पानी की डिप्थ कितनी होनी चाहिए, मछली को कितने महीने तक रखना होगा, ऐसे हज़ारों टाइप की चीज़ों को आपको अपने ध्यान में रखना होगा। उसके बाद जब आप मछली पालन को करते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट होगा। तो जो ये वीडियो है, ये इस तरह के चैनल पर एक पहली वीडियो है जो कि मैंने आपसे इंट्रोडक्शन करने के लिए बनाया है। यदि बेसिकली मैं अपनी बात करूँ, तो मैं एक फिशरीज एक्सपर्ट हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन BFSC से किया है, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस। मैंने फिशरीज साइंस के ऊपर ग्रेजुएशन किया, यानी मत्स्य विज्ञान के ऊपर ग्रेजुएशन किया है, जहाँ पर मैंने मछलियों के ऊपर रिसर्च भी की है, मछलियों के ऊपर पढ़ाई भी की है, और इस बारे में भी एक्सपर्टाइज हासिल की है कि मछली का पालन कैसे किया जा सकता है और कम से कम खर्च में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप मछली का उत्पादन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। दोस्तों, जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन लास्ट एक साल पहले लगभग अभी इसी साल ख़त्म किया है, और जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन ख़त्म किया और लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि मैं एक फिशरीज के ऊपर ग्रेजुएशन करके आया हूँ या मैंने फिशरीज के ऊपर ग्रेजुएशन किया है, तो जो आसपास के लोग थे, लोकल फार्मर्स थे, वो मेरे पास आने लगे और मुझसे सजेशंस मांगने लगे कि वो फिश फार्म करना चाहते हैं या फिश फार्मिंग करना चाहते हैं तो कैसे करें, या मैं उनको सजेस्ट करता था। और यहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि वो लोग मेरे पास आ सकते हैं जो मुझे जानते हैं, या स्पेशली जिनको पता है कि मैं फिश फार्मिंग के बारे में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ और मैं इसके बारे में एक एक्सपर्ट हूँ। लेकिन जब पूरे देश की बात करें या देश के बाहर की बात करें, जो लोग करना चाहते हैं फिश फार्मिंग, उनके ऊपर यदि यूट्यूब पर आप वीडियो देखें, तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएंगी जिसके ऊपर ये बताया जाता है कि मछली पालन करने में इतना पैसा लगा और इतना फ़ायदा हो जाएगा, और ये करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। वीडियोज़ को मैंने देखा और मुझे पता चला कि यूट्यूब के ऊपर एक भी आपको सिंगल ऐसी वीडियोज़ नहीं मिलेगी जिसके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आपको इन्फॉर्मेशन दे जो कि उसके मैं फील्ड का एक्सपर्ट हो, प्रैक्टिकली थ्योरिकली सब तरह का उसके पास नॉलेज हो, जो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हो। तो मुझे लगा कि नहीं, यदि देश के अंदर लोग मछली पालन करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट मुझे आगे आना चाहिए, और वी शुड ब्रिंग ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैंने इस चैनल की शुरुआत की, जहाँ पर ये पहली वीडियो है। इसके बाद मैं लगातार यहाँ पर वीडियो बनाता रहूँगा, जहाँ पर मैं मछली पालन के ऊपर लगातार छोटी छोटी अपडेट्स आपको दूंगा। मतलब आप तालाब निर्माण करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, मछली के बीज कब डालने चाहिए, मछली के बीज की लंबाई कितनी होनी चाहिए, किस किस तरह के मछली के बीज आप डाल सकते हैं, चाहे वो रोहू हो, कतला हो, ग्रॉस कार्प हो, सिल्वर कार्प हो, जयंती रोहू, कौन कौन सी नई प्रजातियाँ हैं। फिर यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि क्या सरकार से मदद मिलती है, फिर मेरे क्या सजेशंस होंगे, आपको लेने चाहिए सरकार से मदद या नहीं लेनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी हैं, और जब उन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से जान लेंगे, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, तो डेफिनेटली आप मछली पालन में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, बहुत बड़ी आपको यहाँ पर बेनिफिट्स उठा के मिलेगी। दोस्तों, यदि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मछली पालन में आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है? आप यहाँ पर सोच सकते हैं, मछली किसी भी अन्य तरह के बिजनेस में यदि हम बात करें, तो 100 रुपये इन्वेस्ट करके 200 रुपये तक कमाया जा सकता है। लेकिन मछली पालन एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पर 100 रुपये इन्वेस्ट करके 1000 रुपये तक कमाया जा सकता है, और ये प्रैक्टिकली बात है जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। तो यदि आप मछली पालन करना चाहते हैं और इसके बारे में लगातार जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, मछली पालन क्या इंडिया के अलावा बाकी देशों में हो रहा है, तो दूसरे देश के लोग इसको कैसे कर पा रहे हैं, किस किस तरीके के पानी में मछली पालन होता है, ठंडे पानी में अलग तरीके से मछली पालन किया जाएगा, यदि पहाड़ की इलाके में मछली पालन करना है तो वहाँ अलग तरीके से होगा, मैदानी इलाका है तो अलग तरीके से होगा, बड़ी बारीक चीज़ें हैं। और इन बारीक चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे, जब आप लगातार मेरी वीडियोज़ देखते रहेंगे, तो उन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होगा, और उन छोटी छोटी गलतियों को आप ना करते हुए एक सही वे में मछली पालन करेंगे, और आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आगे से आपको बहुत अच्छी तरीके से वीडियोस में बना के देता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, क्योंकि आई थिंक दैट वी शुड ब्रिंग ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्योंकि ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में क्रांति भी हुई और नील क्रांति हुई, लेकिन वो सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, किसानों तक पहुँच नहीं पाई। उसका कारण ये था कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाले थे वो गवर्नमेंट्स के आदमी थे, जो कि सही ढंग से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, और फार्मर्स तक एक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची। आज भी बहुत सारी मछली पालन के लेकर भ्रांतियाँ लोगों के मन में, बहुत सारे भ्रम है मन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बाजू से आपको एक बेल का आइकन मिल जाएगा, आप उस बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ उसका एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँचे और उसकी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा।